नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे संतोष भंडारा अकेडमी में फिर से एक बार स्वागत है। आपने अभी तक इसके पहले हमने 3 लेसन पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है अल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। तो सबसे पहले तो अल्टीट्यूड क्या होता है हम ये देखेंगे, फिर उसके बाद मीडियन क्या होता है ये भी देखेंगे, और फिर अल्टीट्यूड और मीडियन क्या होते हैं, उसके सेंटर को हम क्या कहते हैं, ये सब जानने के बाद हम प्रैक्टिस सेट 4.1 करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको थोड़ा बहुत शोर सुनाई दे रहा होगा लेकिन काम चालू होने में जिससे वो तैयार हो रहा है तो भी आपको आप बिंदास रहिए, वो आपको ज़्यादा शोर नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं और एक बात बता दूं कि ये सब मैं इतनी ये कर रहा हूँ, आपका नॉलेज बढ़ना चाहिए इसलिए कर रहा हूँ। तो यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा है अल्टीट्यूड एंड मीडियंस। मैंने एक ट्रायंगल ऑलरेडी निकाल लिया है, इसमें हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले अल्टीट्यूड्स निकालेंगे। ठीक है, तो अल्टीट्यूड के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं भी रहा तो भी आप क्या करेंगे, 90 डिग्री का हमें चाहिए तो 90 डिग्री का एक साइड मतलब सेंटर से हमें क्या करना है, 90 डिग्री निकालना है इसके लिए। और वो क्या होती है, 90 डिग्री इसलिए होती है क्योंकि वो अल्टीट्यूड होती है। ठीक है, अल्टीट्यूड 90 डिग्री की होती है और 90 डिग्री की होने के साथ साथ वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है साइड्स को। क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है वो साइड्स को। इस प्रकार से हमने रखा, ये देखिए इस प्रकार से आप रख सकते हैं, इसे यहाँ पे रखिए ये एंगल को, और ये रहा हमारा, इस प्रकार से आप इसे खींच सकते हो। ठीक है, ये हो गए अल्टीट्यूड्स, इसका नाम दे देते हैं हम ए बी एंड सी। ठीक है, अब ए बी सी और जो अल्टीट्यूड्स निकाले उसको नाम दे देते पी क्यू एंड आर। अब इसका जो सेंटर होता है, अल्टीट्यूड्स का जो सेंटर होता है उसे कहते हैं क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। जो सेंटर होता है उसे कहते हैं, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ ओ, यहाँ पे अल्टीट्यूड के सेंटर को क्या कहते हैं, अल्टीट्यूड। तो आपको समझ में आ गया कि क्या होती है, 90 डिग्री का एंगल तैयार करती है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल तैयार करने के बाद आपको और एक ध्यान में रखना है कि सेंटर ऑफ द अल्टीट्यूड, सेंटर ऑफ अल्टीट्यूड्स कॉल्ड क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। अल्टीट्यूड का जो क्या कहते हैं सेंटर होता है उसे हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। और अल्टीट्यूड क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल तैयार करती है कौन से साइड के ऊपर, 90 डिग्री का एंगल तैयार करती है क्योंकि वो परपेंडिकुलर होती है। वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है जो क्या कहते हैं ट्रायंगल की जो साइड्स होती है उसके ऊपर वो परपेंडिकुलर होती है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, 90 डिग्री का एंगल तैयार करती है इसलिए उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, तो और उसके सेंटर को क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। ये आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अभी मीडियंस की तरफ। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन का भी एक मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, दूसरा इसलिए क्योंकि मीडियन आपको समझना आना चाहिए। ठीक है, एक सेंटर ले लेते हैं हम, सेम सेंटर इस प्रकार से ले लिए तो भी चलेगा, या फिर मैं एक ले लेता हूं ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, एक ले लेते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया मैंने तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर मैंने ले लिया ए बी सी, इसका यदि मुझे मीडियन निकालना है, मीडियन निकालना है तो मीडियन एक ही निकलता है जो सेंटर से जाता है, उसके दो हिस्से करता है, उसे क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा मीडियन, प्लास्टिक लगाए तो बराबर नहीं आ रहा हो, ये आ गया हमारा मीडियन। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं हम डी, इसके नाम दे देते हैं हम। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। और यदि कहा जाएगा, और यदि कहा जाएगा कि मीडियन के सेंटर को, मीडियन के सेंटर को नाम दो, आपको यही सेम करना है, इसमें से आधा कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस क्या करना है हमें ध्यान में रखना है, ये जो साइड्स खींचेंगे ना उसको आप गिन लीजिएगा, ये जो साइड्स खींचेंगे उसको गिन लीजिएगा, और फिर बाद में जो मिड पॉइंट आ जाएगा उसको हम क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है ये आ गया हमारा, ये यहां से इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी, हो गया डी ई और एफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेंटर पॉइंट आएगा इसे कहते हैं सेंट्रोइड, इसे क्या कहते हैं, मीडियन का क्या कहते हैं, सेंट्रोइड। हमने जो अल्टीट्यूड का जो होता है उसे बोलते हैं ऑर्थो सेंटर,
और जो मीडियन का सेंटर होता है उसे कहते हैं हम सेंट्रॉइड। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ द, सेंटर ऑफ मीडियन कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे, क्या कहा मैंने, सेंट्रॉइड। ठीक है, इसे कहते हैं सेंट्रॉइड। इस प्रकार से आपको मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। एक ध्यान रखिए, अल्टीट्यूड क्या होगा, कभी कभी ऑब्ट्यूस एंगल में, ऑब्ट्यूस एंगल यानी 90 डिग्री से बड़ा होता है तो यहाँ पे नहीं निकल सकता क्योंकि 90 डिग्री का एंगल तैयार ही नहीं हो पाएगा वहां पे। तो उस समय पे हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अलग करना पड़ेगा। अलग किस प्रकार से, ये जो ट्रायंगल होगा उसकी ट्रायंगल के बाहर में हमें अल्टीट्यूड्स निकालनी पड़ेगी। वो हम प्रैक्टिस सेट जब करेंगे उसमें मैं आपको एक एक करके समझा के दे दूंगा। और आपको बस अभी ध्यान में रखना है कि ऑर्थो सेंटर किसे कहते हैं, तो अल्टीट्यूड के जो सेंटर होता है उसे कहते हैं, और मीडियन किसे कहते हैं, जो सेंटर मीडियन का सेंटर होता है उसे सेंट्रोइड्स कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान में आ गया। और मीडियन क्या करती है, एक साइड के दो हिस्से करती है, लेकिन अल्टीट्यूड क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल तैयार करती है और वो अदर साइड्स को, मतलब जो ट्रायंगल की जो साइड्स होती है उसको क्या करती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम हमारा प्रैक्टिस सेट 4.1। लेकिन और एक थोड़ा सा बता दूं कि जो सेंट्रोइड्स होती है, सॉरी सेंट्रोइड्स नहीं कहेंगे, जो अल्टीट्यूड्स होती है वो जो है ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो, जो कोई भी ट्रायंगल हो उसमें क्या करती है, 2:1 फॉर्म में डिवाइड करती है, 2:1 फॉर्म में। ठीक है, मतलब मान लेते हैं ये बीओपी है। ठीक है, तो ये बीपी लाइन, बीपी इज इक्वल टू, मान लो ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, मान लो ये कितना होगा, 4 सेंटीमीटर है, तो इसे ये 2:3 लेता हूं, यहां पे ले लेते हैं हम 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बीपी इज इक्वल टू होता है 6 सेंटीमीटर है, तो ये 2:3 रेशियो में होगा, तो मतलब ये 2 है, बीओ इज इक्वल टू 2 है, मतलब क्या हो जाएगा, 2+1=6, तो 3:6/3, मतलब कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको अभी थोड़ा सा समझने की जरूरत नहीं है, आपको जब क्वेश्चन आएगा तब मैं बता दूंगा वैसे। तो ये जो होगा बीओ, बीओ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, बीओ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, और ओपी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यदि मान लो बीपी ये 6 सेंटीमीटर हो, तो यह आपको ध्यान में रखना है अल्टीट्यूड के लिए। ठीक है, तो चलिए आप बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 4.1 की तरफ। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है प्रैक्टिस सेट 4.1 का, बहुत ही आसान है, बस उसमें सेगमेंट के नाम्स बताने हैं। तो देख लेते हैं, इन ट्रायंगल एल एम एन इज एन अल्टीट्यूड, क्या बताना है यहाँ पे, अल्टीट्यूड बताना है। तो मुझे ये बताइए, अल्टीट्यूड यानी क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, अल्टीट्यूड्स में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल तैयार करते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल कौन तैयार कर रहा है, देखिए एल एक्स, 90 डिग्री का एंगल कौन तैयार करती है, एल एक्स, और वो क्या होती है, ट्राइंगल के साइड्स पर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो मैंने ये कहा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेगमेंट एल एक्स। ठीक है, सेगमेंट एल एक्स ये आ जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पर एक्स कैपिटल लिख देता हूँ, इज एन अल्टीट्यूड। ठीक है, एंड इज अ मीडियन, अब मीडियन क्या हो जाएगी, L1, यहाँ पे मेरा इधर उधर किल किया है मैंने, तो ये जो लाइन है यहाँ पे ऐसी है, और ये लाइन थोड़ी सी ऐसे लिखी है। ठीक है, तो L1 ये क्या है, यहाँ पे मीडियन है, सो से L1 क्यों, क्योंकि वो क्या करती है, दो हिस्सों में डिवाइड करती है, इसलिए L1 क्या होगी, इसकी मीडियन होगी। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें क्या करना है हमें, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल PQR, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोला है, जो क्या होगा उसमें से सभी एंगल्स 90 डिग्री से क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। तो एक मैंने निकाल लिया सपोज के, मतलब आसानी से जो निकाल पाया था पहले ही, ताकि आपका समय बच सके। और उसके बाद ड्रॉ ऑल इट्स अल्टीट्यूड्स नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एज O। आप जब भी ध्यान में रखिएगा, मैंने कहा था कि यदि ये जो ट्रायंगल है ये क्या है, एक्यूट एंगल है, इसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल आएगा, उसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल आएगा। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या होगी, सभी जो ये है 90 डिग्री के जो बनेंगे वो सब बाहर बनेंगे। ठीक है, लेकिन एक्यूट एंगल ट्रायंगल में अल्टीट्यूड क्या बनती है, अंदर में बनती है। तो अल्टीट्यूड के लिए हमें क्या करना है, बस कुछ नहीं, इसे लेना है, रखना है इस प्रकार से। तो ये देखिए, अभी मैं यहाँ से इस प्रकार से रख लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो है ये 90 डिग्री की स्ट्रेट लाइन बन जाएगी हमें। ठीक है,
तो इस प्रकार से ये 90 डिग्री का स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो इसे हम कहेंगे अल्टीट्यूड। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये बना लिए, ये भी गया हमारा यहाँ पे और ये लाइन खींच ली। ठीक है, पहले तो नाम दे देना है पी क्यू आर, एक ट्राइंगल खींचने के बाद। अब अल्टीट्यूड एक सेम हो गया, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब मुझे क्या करना है, यहां से करना है। ठीक है, तो अब मेरा जो ट्राइंगल है वो तो बड़ा हो गया है, राइट। बड़ा होने की वजह से अब यहाँ से हमारा थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आगे पीछे नहीं करेंगे, स्ट्रेट लाइन के लिए खींच लेता हूँ मैं यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ से ये होगी हमारी लाइन। ठीक है, इसमें भी ये क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल तैयार करेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से देखिए पॉइंट एंगल आर से सेम कंडीशन करना है हमें, यहाँ से लेना है एक पॉइंट, इस प्रकार से ले लेते हैं हम। देखिए ये रहा हमारा, मैं थोड़ा सा मतलब हमारा पॉइंट सेंटर में आना चाहिए, इसलिए सेंटर से ही लेंगे हम। ठीक है, तो इस प्रकार से रखें और ये यहाँ से, तो इस प्रकार से मैं ब्लैक बोर्ड पे तैयार कर रहा हूँ, तो इसलिए ये आगे पीछे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके बुक में ही करेक्टली हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल तैयार करेगा, तो इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर था, इसको नाम देते ए बी सी, और उसके सेंटर को क्या नाम देने के लिए बोला है, कॉन्फ्रेंस एच ओ, क्या करना है इसका, तो सेंटर ऑइड है ट्राइंगल पी क्यू आर, लिख लेते हैं हम इन ट्राइंगल पी क्यू आर सेगमेंट क्या क्यू ए से बी आर या फिर आर बी एंड से कौन सी बच्ची हमारी पी सी आर अल्टीट्यूड्स। ठीक है, क्या है हमारी अल्टीट्यूड्स है, एंड एंड ओ इज अ, ओ क्या है हमारा ऑर्थो, इज एन ऑर्थो सेंटर, क्या कहते हैं उसे ऑर्थो सेंटर, इस प्रकार से हमें इसे देखना है। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है हमें, अल्टीट्यूड निकालने से हमें ध्यान में रखना है, नहीं आपके पास ये जो है ये नहीं होगा तो आपको आप स्केल से भी स्ट्रेट लाइन यहाँ से खींच सकते थे, कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अभी हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहा है ध्यान से देखिए, लिखा है ड्रॉ एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एस टी डी, ट्रायंगल का नाम है एस टी डी, ऑब्ट्यूस एंगल है मतलब 90 डिग्री से बड़ा है, ड्रॉ इट्स मीडियन एंड शो द सेंट्रोइड, सेंट्रोइड बताना है और क्या कहते हैं मीडियन निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, हमें क्या करना है एक लाइन खींच लेते हैं, हम पहले एक ट्रायंगल खींच लेते हैं, ट्रायंगल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एक यहाँ पे रख दिए, एक ट्रायंगल निकाल लेते हैं ऑब्ट्यूस एंगल का, ये रहा हमारा। ठीक है, इस प्रकार से फिर यहाँ से एक ले लेते हैं लाइन, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से एक लाइन खींच लेते हैं और फिर इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो ये आपको दिखाने के लिए मेरे को बड़ा बनाना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ इधर से एक लाइन देख लेता हूँ, पहले तो मेरी लाइन कहाँ तक पहुँचती है, ये नहीं और ये लाइन जाएगी मेरी इधर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये हो रहा है, चलिए मैं एक काम कर लेता हूँ, ये लाइन छोटी कर लेता हूँ, ये भी लाइन छोटी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये अब तैयार हो जाएगा आसानी से हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल तैयार हो गया। ठीक है, ये छोटा कर दिया हमें, अभी क्या नाम है, इसका नाम है एस टी वी। ठीक है, अब आपको एक ध्यान में रखना है, क्या बोला है मीडियन बोला है, अल्टीट्यूड नहीं बोला है, मीडियन बोला है, तो बहुत आसान है, पहले टीवी का मेजरमेंट ले लेते हैं हम, टीवी कितना है यहाँ पे है मेरे पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8 का हाफ कितना होता है, यहाँ पे थोड़ा सा कम ज्यादा देखिए 7.5 हो रहा है। ठीक है, 7.5 मतलब 7.5 हो रहा है, तो 7 का आधा होता है 3.5 और ये हो जाएगा करीबन करीबन यहाँ पे सॉरी 3.5 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या करनी है, इसका मीडियन खींच लेना है इधर ऐसे, इस प्रकार से ये मीडियन हो जाएगा। ठीक है, और वैसे ही इसको कर गिनना है, अब ये कितना सेंटीमीटर है देख लेते हैं हम,
ये कितना सेंटीमीटर है, ये तो पड़ रहा है हमारे पास 13.5, मतलब कुछ और है। आप करेक्टली गिन के ले लेना मेजरमेंट, जैसे 6 हो गया, 7 हो गया, जिसका हाफ कर सके आप आसानी से। यहाँ पे मेरा कुछ ये हो गया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से ये एस टी हो रहा है हमारा 13.5 है ना, 13.5 सेंटीमीटर हो रहा है। तो 13.5 13 का आधा होता है हमारा 6.5, यहाँ पे 6.7 ले देते हैं हम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया, तो यहाँ से इसको जोड़ दीजिए आप, ठीक है। अब बचा कौन सा हमारा एस टी, एस टी कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, 7 का आधा होता है 3.5, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है ये यहाँ से हमें जोड़ना है, ठीक है, कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। देखिए इस प्रकार से हमारा जुड़ गया, ये हो गया एस पी बी, इसको जो सेंटर है मीडियन एंड शो द सेंटरॉइड, सेंटरॉइड का नाम दे देते हैं हम ओ, और उसके जो बाकी के नाम से उसको हम लेते हैं यहाँ पे ए बी एंड सी। सो अब देखना है हमें क्या लिखना है, सेगमेंट इन ट्रायंगल एस पी बी, सेगमेंट कौन सा सेगमेंट, टी ओ सेगमेंट, फिर उसके बाद टी हो गया, दूसरा सेगमेंट क्या होगा एस सी, एंड सेगमेंट टी ए हो गया, एस सी हो गया, बी वी या वी बी ई सॉरी आर मीडियन, ठीक है, आर मीडियन, एंड उसका सेंटर कौन सा है, ओ इज एन O is a centroid, ठीक है, O is a centroid। इस प्रकार से हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि लिखना बताया गया है कि centroid है करके बताइए वहां पे, तो हमें क्या करना है, O को O is a centroid करके बताना है, O is a centroid बताना है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा, डायग्राम थोड़ा सा छोटा पड़ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका कंसेप्ट क्लियर होना है, बस यही हमारा काम है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, वहां पे क्या कहा है, ऑब्ट्यूस एंगल करना है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल लिखना है LMN, मैंने पहले से निकाल के रख दिया, ड्रॉ इट्स अल्टीट्यूड एंड डिनोट द ऑर्थो सेंटर बाय O। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइडर का इस्तेमाल करके हम इसे निकालेंगे अल्टीट्यूड्स को, क्यों, क्योंकि बहुत ही आसानी से हम इसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एक काम करना है हमें कि ये जो है ये जो लाइन दिख रही है हमें इसके ऊपर, ये जो लाइन दिख रही है यमयन, इसे हम क्या कर देना है, स्ट्रेटली बढ़ा देना है, ठीक है, इसे क्या करना है हमें स्ट्रेट बढ़ा देना है। मैं इधर से बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, देखिए यहाँ से ऐसे रखे हमने और इस लाइन को क्या करते हैं हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये लाइन बढ़ा दी हमने। उसी प्रकार ये जो लाइन है यल यम, इसे भी पहले बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये यल यम लाइन भी बढ़ा देते हैं, इस प्रकार से बढ़ा दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिवाइडर का इस्तेमाल करेंगे, डिवाइडर का इस्तेमाल करने से पहले मैं बराबर लाइन कर लेता हूं अपनी, ये इस प्रकार से लाइन हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब क्या करना है आपको, डिवाइडर ले लेना है, डिवाइडर लेने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, यल पर, यल पॉइंट पर क्या करना है, डिवाइडर रखना है, और ये देखिए इस प्रकार से ये करेक्टली हमारा यहां पर रखा और ये इधर हो गया। तो यहां से हमें क्या करना है, दोनों तरफ चाप मार लेना है, एक चाप मैंने लगाया ये इधर और एक चाप मारा मैंने इधर, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे। अब सेम डिस्टेंस पे चाप मारने के बाद हमें क्या करना है, यहां से ये यहां से क्या करना है, आगे में एक यहां पे यहीं से लेना है, ठीक है, एक चाप मार लेना है हमें इधर और ये एक चाप मार लेना है हमें यहां से इस तरह से, ठीक है, ये थोड़ा सा फीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डार्क हो जाएगा, ये यहां पे आ जाता है, ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसे हमें क्या कर लेना है, यहां से हमें जोड़ लेना है, समझ में आया ना, यहां से हमने क्या किया, पहले यल से एक ले लिया, यल से यहां पे एक चाप मारा, एक चाप इधर मारा, फिर वहीं से एक चाप इधर और एक चाप ऐसे मार के वहां पर परपेंडिकुलर हो जाएगा और वो लाइन को हमें क्या करना है, जोड़ लेना है, ये इस प्रकार से वो लाइन जुड़ जाएगी हमारी, ठीक है, इस प्रकार से हमारी लाइन वो जुड़ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद अब हमें लेना है पॉइंट यन, ठीक है, पॉइंट क्या लेना है, यन, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल तैयार हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल तैयार हो गया,
ठीक है। अब हमें लेना है पॉइंट यार। अब पॉइंट यार में भी क्या करना है, हमें वही सेम डिस्टेंस लेना है। कैसे, तो यानी कि यहां पे रखे हमने, यहां पे रखने के बाद हमें क्या करना है, डिस्टेंस जो लेना है हमें यहां पे रखने के बाद हमें क्या चाहिए, साइड इधर चाहिए, साइड चाहिए, तो हम क्या कर लेते हैं, एक यम पे ला लेते हैं, ठीक है, यम पे खींच लिए लाइन, और दूसरा जो है वो मैं यहां पे खींच लेता हूं, ठीक है। इसके वजह से अब क्या हो जाएगा, यहां पे एक चाप मारा मैंने, यहां पे एक चाप, तो यही चाप अब हमें क्या करना है, यहां से इधर मार लेते हैं, ठीक है। तो ये रखा मैंने एक चाप यहां पे, और ये एक चाप इधर, ये इस प्रकार से आएगा हमारा, और दूसरा जो है यहां से, ये लाइन थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, यहां पे आ रहा है, ठीक है। तो ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है, मैं इसको डार्क कर लेता हूँ। ये जो लाइन है यहां तक आनी चाहिए थी, और ये ऐसा होता है, और ये चाप, एक चाप इधर मारा था मैंने, ये उसका चाप यहाँ पे, और यहाँ पे चाप मारा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, ये दो चाप आ गए। अब ये जो लाइन जो जहां पे मिलेगी, ये लाइन जो जहां पे मिलेगी वहां से हमें क्या कर लेना है, एक चाप मार लेना है, सॉरी लाइन खींच लेनी है ऐसे स्ट्रेट, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई हमारी, तो ये परपेंडिकुलर कहां पे बनेगी, यहां पे बनेगी, ठीक है। तो यल यम पर परपेंडिकुलर लाइन बन गई, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद दो हो गया हमारा, अब हमें चाहिए थर्ड वाला। तो थर्ड के लिए अभी क्या करना पड़ेगा, वही सेम कंडीशन करते हैं, यम के ऊपर रखते हैं, यम के ऊपर रखने के बाद मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे सामने में ही दो चाप मारेंगे, एक चाप इधर मारता हूँ और ये एक चाप ऐसे मारता हूँ, ठीक है। और वही चाप पे रखकर हम ऊपर में ले लेते हैं एक चाप, देखिए थोड़ा सा ज्यादा अंतर लेना पड़ेगा हमें, एक चाप इधर हो गया और ये दूसरा चाप इस तरह से हो गया, ठीक है। तो ये जो है दूसरा चाप मारने के बाद ये हमें इस तरह से यहाँ पे जुड़ेगी, देखिए, ठीक है। तो ये किस प्रकार से जुड़ी है, देखो हमारी, ये मैं चाप मिटा देता हूं थोड़ा सा, ये चाप मिटा दिए मैंने, तो अब ये लाइन जो है फिर पहुंच नहीं रही है, स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से हमारी यहां से ये थोड़ा सा इधर हुई है, ठीक है। तो ये जो चाप है वो यहाँ पे इस प्रकार से पड़ेगा, मेरा जो बुक है इसके वजह से ये बराबर स्ट्रेट नहीं आ पा रही है, ठीक है, लेकिन आपकी जो लाइन है वो बुक्स में इस प्रकार से स्ट्रेट आएगी, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये जो लाइन है यहाँ पे हमारी सेंटराइड होगी, ये यल यम यन, और उसके जो ऑर्थो सेंटर है उसको क्या नाम देना था हमें, ओ, ठीक है। तो ये यल यम यन को ऑर्थो सेंटर ओ से हमने क्या कर लिए, हमारा सेंट्रोइड, सॉरी सेंट्रोइड नहीं, ऑर्थो सेंटर हमें मिल गया, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, इसमें आप समझ गए होंगे, इसको नाम दे दीजिए आप पी, इसको नाम दे दीजिए आप क्यू, और इसको नाम दे दीजिए ये आर, क्योंकि ये 90 डिग्री है यहाँ पर कर दें, ठीक है। इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हो। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है, क्या कहा है, ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल एक्स वाई से, ठीक है। तो सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल निकाल लेते हैं, यहाँ पर मैं एक लाइन खींच ली, लाइन खींच लेता हूँ पहले तो, ठीक है। इस प्रकार से एक लाइन खींच लेते हैं हम, 90 डिग्री का एंगल तैयार करना है, तो मान लेते हैं ये कितने सेंटीमीटर की है, ये हो गई हमारी 8 सेंटीमीटर की, मैंने एक लाइन खींच लिया, आपको समझ आया, इसलिए फिर उसमें क्या कहा है, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये पॉइंट ले लेते हैं हम, यहाँ से हम 90 डिग्री का एंगल तैयार करते हैं, देखिए ये हो गया हमारा 90 डिग्री यहाँ पे, और ये आ गया 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 डिग्री होने के बाद यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इस लाइन को खींच लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से भी इसे इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, ये दोनों पॉइंट्स को क्या कर लेते हैं, हम जोड़ लेते हैं, इस प्रकार से ये जुड़ जाएगा, ठीक है, ये हमारा जुड़ गया, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, इसका नाम है एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, एंड ड्रॉ इट्स मीडियन, मीडियन निकालनी है, मीडियन निकालने के लिए बहुत ही आसान है, आप एक काम कीजिए, ये जो है हमें, ये जो है उसका कोई ध्यान नहीं देना है, हमें क्या करना है, मीडियन निकालना है। तो दो चाप मारेंगे हम, यहाँ पे रखते हैं एक, और ये आधे से ज्यादा अंतर लेके एक चाप इधर मार दिया हमने, ठीक है, और एक चाप इधर मार लेते हैं, ठीक है, और उसी प्रकार यहाँ पे रख के एक चाप इधर मार लेते हैं, और ये चाप
इधर मार लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये जो लाइन है मेरी थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे एक सिंपल सी छोटी सी लाइन खींचेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम खींच सकते हैं। अब एक काम कीजिए, इसको वैसा ना करते हुए एक डायरेक्टली हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ये सब झमेला हो जाएगा हमारा, कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सबसे बेस्ट यही तरीका है, यहाँ पर रखिए, यहाँ से लाइन खींच लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे पॉइंट रखिए, हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालनी है। सो मीडियन तो हमारा वही होता है, यहाँ पे रखिए और ये, या फिर इसको गिन लीजिए, ये कितना सेंटीमीटर है हमारे पास, ये 7 सेंटीमीटर, तो 3.5 का यहाँ पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट आ गया हमारा, मीडियन का पॉइंट आ जाएगा उसका, तो यहाँ पे रखिए और इसकी लेंथ खींच लीजिए, बहुत ही सिंपल हो जाएगा फिर तो, ठीक है। ये दो हो गया, और उसके बाद एक वाई से, वाई से कितना सेंटीमीटर है हम गिन लेते हैं, पहले देख लीजिए यहाँ पे, ये हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर, तो हम ले लेते हैं इसका आधा कितना होता है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये 4 सेंटीमीटर को हम यहाँ से इधर जोड़ लेते हैं, ठीक है, ये इस प्रकार से यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। ये जुड़ने के बाद यहाँ पे आप इस लाइन को भी बढ़ा सकते हो, बढ़ाए तो भी चलेगा, नहीं बढ़ाए तो भी चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 90 डिग्री का हमारा एंगल हो गया एक्स वाई से, और उसका जो क्या कहते हैं कॉन्करेंस पॉइंट क्या है उसका नाम जी, और इसको नाम दे दिए सी ए, और ये बी, ए बी सी, और इसका कॉन्करेंस पॉइंट कौन सा हो गया यू जी, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है, एक ध्यान में रखिएगा आपको क्या करना है, जिस जो साइड से लेंगे आप उसका हाफ कर लेना, और जो उसके सामने वाला जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स मतलब जो पॉइंट होगा उससे आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 की तरफ बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, बहुत आसान है। आइसोसेल ट्रायंगल, आइसोसेल ट्रायंगल यानी क्या होता है, जिसके टू साइड्स क्या होती है पैरेलल होती है, ठीक है। तो ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स मीडियन एंड अल्टीट्यूड। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक ट्रायंगल निकाल लेते हैं, ठीक है। एक सॉरी ट्रायंगल निकालने के पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पे मैं ये लाइन खींच लेता हूँ 3 सेंटीमीटर की, ठीक है। आपकी बुक में आप छोटे से छोटे लिख सकते हो, और उसका नाम क्या है, ड्रॉ एन आइसोसेल ट्रायंगल, नाम नहीं दिया, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ए एंड बी। अब ए बी से हमें इतना क्या करना है, जो है वो दोनों टू सेम मतलब आइसोसेल ट्रायंगल से जो दो साइड्स होती है वो पैरेलल होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपका मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ मैं 8 सेंटीमीटर, जान कुछ के ज़्यादा लेता हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आए, मैं ये 8 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये 8 सेंटीमीटर यहाँ से ये इस प्रकार से आएंगे, एक ये इधर से मैं चाप मारूंगा, तो ये आएगी हमारी इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से आने के बाद हम क्या करेंगे, जहाँ पे ये मिलेगी वहाँ से ये हम पॉइंट में जोड़ देंगे, ये हो गया हमारा पॉइंट, यहाँ से हमने ये खींचे, ये हो गया 1, और ये यहाँ से हमने खींचे, इसको मान दे दें, ये हो गया सेकेंड लाइन, ठीक है। और ये दोनों भी क्या है पैरेलल है, तो ये मैंने 8 सेंटीमीटर खींची, तो ये भी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए बी सी, ये 8 सेंटीमीटर, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस ध्यान में रखना है कि आइसोसेल ट्रायंगल पर दोनों साइड्स रहती है पैरेलल। अब उसके बाद हम निकालेंगे अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड निकालने के लिए आपको एक काम क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक अंतर लेना है, ठीक है, एक चाप इधर मार लेना है, एक चाप इधर मार लेना है, ठीक है। और यहाँ से आपको एक चाप इधर करिए, एक चाप इधर, इस प्रकार से आपका एक पहला अल्टीट्यूड निकल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, आपका पहला अल्टीट्यूड निकल जाएगा ए के ऊपर, ये हो गया हमारा पहला अल्टीट्यूड, ठीक है। ये मेरा लाइन आगे पीछे हो सकता है, आप चिंता मत कीजिए, आपके बुक में बस बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम ले लेते हैं बी के लिए, बी वर्टेक्स के लिए उसका अल्टीट्यूड लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर सेम कंडीशन करेंगे, रखेंगे इस प्रकार से, और एक चाप इधर, सेम अंतर का फिसल जाता है, ये हो गया सेकेंड चाप, ठीक है। और यहाँ से हमें लेना है एक चाप इधर, और यहाँ से भी हमें लेना है दूसरा चाप इधर, इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद हमें फिर से ये चाप आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या कर लेना है, इसको जोड़ देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा अल्टीट्यूड,
ठीक है। अब तीसरा अल्टीट्यूड निकालना है तो सी पॉइंट से निकालना पड़ेगा, हम पहले अल्टीट्यूड निकाल लेते हैं, ध्यान रखना ठीक है। तो इसको हम कर्व कर लेते हैं, यहाँ पे रख दिया हमने ठीक है, एक चाप मार लिया मैंने यहाँ पे, ये बड़ा ले लिया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, नीचे में एक चाप मारना है, तो आप यहाँ से क्या करो, थोड़ा सा इससे बड़ा कर दीजिए, ये एक चाप इधर हो जाएगा मेरा और ये एक चाप इधर, ठीक है। मतलब हमारा पॉइंट जो है, चाप आपको दिख नहीं रहा होगा, पेन थोड़ा सा निकल गया, ये यहाँ पे आ रहा है ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको ये वाला पॉइंट से ये नीचे वाला जो है चाप, इसे जोड़ लेना है ठीक है, नीचे वाले चाप को इस प्रकार से जोड़ लेना है ठीक है। ये हो गया हमारा ए बी सी आइसोसेल ट्रायंगल है, और ये सभी क्या होगी उसकी अल्टीट्यूड्स होगी ठीक है। अब अल्टीट्यूड्स आने के बाद आपको अभी क्या करना है, हमें अल्टीट्यूड्स निकालने के बाद मीडियंस भी निकालना है। तो मीडियंस निकालने के लिए आपको एक ध्यान रखना है कि मीडियंस निकालने के लिए मैंने अभी कहा कि साइड्स को गिन लेना, ये 8 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर मेरी कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आएगी ठीक है। वैसे ही ये भी 8 सेंटीमीटर है तो ये मेरी 4 सेंटीमीटर कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आ रही है ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो लाइन है, अब ध्यान देख लीजिए कि अल्टीट्यूड किस प्रकार से, ये अल्टीट्यूड और मीडियन दोनों इसी तरह से जाएगी, ये यहाँ से ही जाएगी, लेकिन जो साइड्स है वो उसके जो मिड पॉइंट है वो अलग होंगे। ये मेरा थोड़ा सा पास में हो गया है, आप बुक में आपकी बुक में थोड़ा सा अलग हो जाएगा ठीक है। और ये जो है ये पॉइंट मैंने यहाँ पे मिला है, ये पॉइंट यहाँ पे ठीक है। देखिए ये जो है भले ही लाइन एक ध्यान में रखिए, ये जो मीडियन निकालना है मैं यहाँ पे नाम देता हूँ ए बी सी हो गया, इसे नाम देता हूँ अल्टीट्यूड को पी क्यू आर ठीक है। और ये पी क्यू आर होने के बाद फिर यहाँ पे मैं नाम देता हूँ यस एंड टी। देखिए यहाँ पे जो है अल्टीट्यूड और मीडियन, चलो इसको भी गिन लेते हैं, ये तो कहता था 10 सेंटीमीटर का, 10 का ये 5 आ गया, मतलब ये जो है ये जो मिड मीडियन वाली लाइन है वो क्या है, कॉमन है, अल्टीट्यूड भी है और मीडियन भी है ठीक है। तो यहाँ पे हमें निकालना है राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो सबसे पहले ये जो है मीडियन का जो कॉन्करेंस पॉइंट है उसको क्या नाम देते हैं हम जी, और अल्टीट्यूड का है देयर इज अ देयर इज इन ट्रायंगल ए बी सी द क्या लिखेंगे हम सेंट्रॉइड, द सेंट्रॉइड इज जी एंड ऑर्थो ऑर्थो सेंटर इज, मैंने क्या लिया था वो ओ है ठीक है, सेंट्रॉइड इज जी एंड ऑर्थो सेंटर इज ओ एंड एंड ऑब्जर्वेशन क्या है इसका, हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, द अल्टीट्यूड वन ऑफ द अल्टीट्यूड एंड मीडियन इज सेम इन आइसोसेल ट्रायंगल, है ना, आइसोसेल ट्रायंगल्स में सिर्फ ट्रायंगल, आइसोसेल ट्रायंगल में उनमें से एक मीडियन और अल्टीट्यूड क्या हो जाएंगे, दोनों की सेम हो जाएगी, वो अलग अलग नहीं होती है ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, थोड़ा सा क्रिटिकल है लेकिन ध्यान से देखे तो समझ में आ जाएगा ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, आपको मैंने क्वेश्चन नंबर, जब मैंने ये जो सेशन चालू किया था, जब हमने पढ़ना चालू किया था, तब मैंने बताया था कि जो अल्टीट्यूड्स और मीडियंस जो है वो क्या करती है, 2:1 फॉर्म में डिवाइड करती है ठीक है, 2:1 फॉर्म में डिवाइड करती है। यहाँ पे सेंट्रोइड दिया है, मतलब मीडियन क्या करती है, दो हिस्सों में डिवाइड करती है, मतलब मान लो ये बी जी कितना है 2 है, तो जी क्यू कितना होगा 1 होगा, मतलब दोनों को मिला के 3 है, तो उसमें से एक हिस्सा जी क्यू का होगा और बी जी का कितना होगा 3। उसी प्रकार आर जी सी में यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगी कि ये मान लो एक हिस्सा होगा, ये दो हिस्से होंगे, ये एक हिस्सा होगा, ये दो हिस्से होंगे, इस प्रकार से हमें डायग्राम के हिसाब से हमें बताना है ठीक है। तो सबसे पहले लिखा है लाइन आर जी, आर जी क्या है, आर जी इज इक्वल टू 2.5 है, देन लाइन जी सी, देखिए जी सी क्या है, आर जी से दुगना लिख रही है ठीक है।
तो ये 1 है, मतलब ये 2.5 है, तो 2.5 का दुगना कितना होता है 5 सेंटीमीटर, तो इसलिए यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। डायरेक्टली बता रहा हूँ, नहीं तो फिर आप इसको मल्टीप्लिकेशन करके भी, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि उतना जरूरत है, डायरेक्टली हम कर सकते हैं। उसके बाद बी जी इज इक्वल टू कितना है 6, बी जी ये कितना है 6 है, ठीक है, ये जी क्यू से बी जी क्या है बड़ी है, तो 6 ये 2 हिस्सा हो गया, ये कितना है 1 हिस्सा है, मतलब ये 6 का जो है 1 हिस्सा कितना होता है 3, मतलब 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद लाइन एपी, ये देखिए एपी, एपी लाइन में एपी पूरी लाइन कितनी है 6 है, उसमें से देखिए जीपी, ये जो जीपी जो लाइन है वो आपकी छोटी दिख रही है, ठीक है, जीपी लाइन छोटी दिख रही है, मतलब 6 का एक हिस्सा, 6 का 3 में से एक हिस्सा, 6 को डिवाइड करो 3 से तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और अब क्या है 2 × 1 × 2 × 2 × 2 × 2 × 4, मतलब एक हिस्सा कितना हो गया 2, तो जीपी बराबर 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, और एजी, एजी मतलब कितना है दुगना हिस्सा है, तो इसलिए कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। एक ध्यान रखिए, पहले यहां पे 1 2 लिखा था, तो यहां पे ये 2 है, यहां पे ये 1 है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये सॉल्व हो गया, और मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह हमारे साथ क्या कहते हैं बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।